तो हाँ भाई, कैसे हो आप सब? तो यार ये है हमारे पास मोटो G34 5G, और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस वाले फोन को भाई पोको M6 Pro 5G से कंपेयर करो। दोनों ही फोन जो है ना भाई सेम प्राइस पॉइंट में आता है, तो लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि दोनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में बताते हैं इन दोनों ही फोन में आपको क्या अच्छा मिलता है, क्या खराब मिलता है, और आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। बाकी आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखो प्राइस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन से। मोटो G34 जो है ये एक व्हीकल लेदर के साथ आता है, बाकी सारे जो कलर्स है वो आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ देखने को मिलेगा। वहीं पोको जो है भाई ये आपको ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन की मेरे को बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी है दोस्तों, काफी अच्छे मटेरियल का यूज किया गया है। एंड इन दोनों ही फोन में आपको सारे पोर्ट्स एंड बटन मिल जाएंगे दोस्तों, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो कि काफी अच्छे से हर बार काम कर जाता है। पोको के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो ग्लास बैक के साथ आता है, और मोटोरोला के साथ एक एडवांटेज ये है कि ये आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ देखने को मिलेगा, जबकि पोको जो है वो आपको सिंगल स्पीकर के साथ मिलेगा। एंड डेफिनेटली ज्यादा लाउड मोटो का स्पीकर है भाई। यहाँ पे डिस्प्ले में मोटो में आपको 6.5 इंच की HD+120Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है, वहीं आपको पोको में 6.79 इंच की Full HD+90Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है। अब यहाँ पे क्लियर डिफरेंट आपको समझ में आ रहा होगा, मोटोरोला जो है ये आपको 120Hz HD+ ऑफर कर रहा है, वहीं आपको पोको जो है Full HD+90Hz ऑफर कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है पोको की जो डिस्प्ले है वो बेटर होने वाली है, कलर्स वगैरह डिटेलिंग वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलेगी पोको के डिस्प्ले में। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट वगैरह भाई इनफ है 90Hz भी मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने आउटडोर में ब्राइटनेस चेक करा था भाई, यहाँ पे पोको जो है ज्यादा ब्राइट है, आउटडोर में अच्छे से विजुअल होता है मोटो के कंपैरिजन में। तो नो डाउट यहाँ पे डिस्प्ले में जो पोको है ये बेहतर है भाई। अब दोनों ही जो फोन है 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो 1 से 1.5 दिन का बैकअप दोनों ही फोन आपको इजिली निकाल कर दे देगा। लेकिन यहाँ पे मोटोरोला जो है ये आपको 20 वोल्ट के चार्जर के साथ मिलेगा, लेकिन ये जो फोन है सपोर्ट करता है 18 वोल्ट का ही चार्जर को, और पोको भी आपको 18 वोल्ट के ही चार्जर के साथ मिले। तो चार्जिंग स्पीड दोनों ही फोन की सिमिलर लाइक वाली है भाई। अब एक एडवांटेज यहाँ पे मोटो के साथ ये है कि ये जो फोन है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, और आपको MIUI X मिल जाएगा। वहीं पोको जो है ये आपको एंड्रॉइड 13 पे मिलेगा, और आपको MIUI 14 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो भाई पोको के कंपैरिजन में मोटोरोला जो है ना ज्यादा क्लीन है, इसमें आपको कम प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलेंगे, जबकि भाई आपको MIUI में काफी मिलेंगे और रिकमेंडेशन वगैरह भी आते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना भाई मोटोरोला का जो OS है ना वो मेरे को अच्छा लगा है। अब यहाँ पे बात आती है इन दोनों ही फोन की कैमरास की, तो भाई दोनों ही फोन में आपको 50MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है। मोटोरोला में एक एडवांटेज ये है कि ये 16MP के सेल्फी कैमरे के साथ आता है, जबकि पोको जो है ये आपको 8MP के सेल्फी कैमरे के साथ मिलेगा। मैंने इन दोनों ही फोन से फोटोज निकाली थी भाई, फोटोज जो है मोटोरोला अच्छी लेता है, कलर्स वगैरह आपको मोटोरोला के फोटोज में अच्छे देखने को मिलेंगे, और सेल्फी कैमरा में भी मोटोरोला जो है भाई अच्छा काम करता है, फोटोज वगैरह वहाँ पे भी जो मोटोरोला है ये अच्छी लेता है। कि यहाँ पे दोनों ही फोन 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट रियर दोनों ही से। और मोटोरोला में एक एडवांटेज ये भी है कि ये EIS के सपोर्ट के साथ आता है, तो आप कुछ हद तक स्टेबल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे बात आती है परफॉर्मेंस की, तो मोटोरोला में आपको Snapdragon 695 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाता है, वहीं आपको पोको में Snapdragon 4 Gen 2 का चिपसेट लगा हुआ मिल जाता है। अब देखो इन दोनों ही प्रोसेसर में ऐसा कोई मेजर डिफरेंट नहीं है दोस्तों, मैंने भाई विद प्रैक्टिकली इन दोनों ही फोन को टेस्ट करा है भाई, BGMI डाल के देखा है, दोनों ही फोन 40fps की गेम प्ले करा देता है। दोनों ही फोन में आपको जायरो का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ज्यादा बेटर मोटोरोला का जायरो है। मैंने जितना भी गेम प्ले करा ना मेरे को कहीं पे भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला दोस्तों, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा आपको। यहाँ पे मेरे को इन दोनों ही फोन में हीटिंग वगैरह का भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिला दोस्तों। बाकी दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है, ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग अच्छी है दोस्तों, रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। बाकी नेटवर्क की बात करते हैं तो दोनों ही फोन जो है 5G डिवाइस है दोस्तों, मैंने 5G सिम डाल के देखा था दोनों ही फोन में, 5G सपोर्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, काफी अच्छा नेटवर्क सपोर्ट मिल जाता है आपको, कॉलिंग वगैरह के दौरान भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, अच्छे से आवाज जाता है, अच्छे से आवाज आता है। हालांकि पोको में आपको MIUI डायलर मिल जाता है, तो आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा कॉल रिकॉर्ड करने के लिए, मोटोरोला में गूगल डायलर दिया हुआ है तो यहाँ कॉल रिकॉर्ड का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको प्राइस बता दूं, तो मोटोरोला जो है 11000 में आता है, और इस प्राइस पॉइंट में आपको 4128 मिल जाता है, पोको जो है वो भी आपको 11000 का मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको 6128 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो मोटोरोला में मेरे को जो कमी लगी पोको के कंपैरिजन में भाई, इसमें जो डिस्प्ले है ना HD+ दिया हुआ है, तो बस पोको में यही एक चीज अच्छा है कि वहाँ पे आपको Full HD+ डिस्प्ले मिलता है। बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मोटो को लो भाई, देखो अगर आप यूज करने लगोगे ना तो आपको उतना ज्यादा नोटिस
नहीं होगा HD प्लस और फुल HD प्लस में। बाकी आप अपनी राय बता देना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इन दोनों ही फोन के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।